अंते जो इस टाइम खित्ते की सिचुएशन है और पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल हालात ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम जो सिचुएशन में नहज पे पहुंचा हुआ है, दुनिया जो है वो बहरहाल जाहिरन ऐसे लगता है कि जैसे अभी फट जाएगी और हर आदमी एक कर्ब के आलम में है, बीमारियां मुसीबतें चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, आखिरी जमाना है और ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं, हालात हुलिये इखलाक चीज़ें बेहयाई बुराई ये सब चीज़ें हराम हलाल हो चुका है आपके सामने खूब इतनी तेज़ी से ये कुछ अरसे के अंदर ये चीज़ें पेनिट्रेट कर गई हैं। उसी तरीके से एक पहले जहन में कॉन्सेप्ट होता था जो डाला जाता था कि जी बुराई फैलेगी तो इमाम आएंगे, तो फिर क्या करें, बुराई फैलाओ, जो बुराई फैलाए इमाम आएंगे। भाई अल्लाह के बंदे तुम मर जाओ फिर क्या होगा इसी बुराई में, तुम्हारा हिसाब किताब क्या होगा, ऐसा नहीं है। अच्छाई बुराई से ज्यादा होगी तो गालिब आएगी। आप अपने आप को अच्छाई के लिए तैयार कर, बुराई जो कर रहा है उसको करने दे, रोक सकते हैं तो रोके, लेकिन आप अपनी जात के लिए आप उसका हिस्सा नहीं बने। आप अपने आप को इस का देखें, ये लॉजिकल अकली तौर पर और हिस्टोरिकल प्रूफ है, ये इसमें ऐसे दूसरी बात नहीं है कि वो शख्स नहीं आएगा जब तक उसको एक्सेप्ट करने वाले तैयार नहीं होंगे। आपके सामने छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम की जो है वो आपके सामने, शख्स इमाम की खिदमत में आया, खुरासान का रहने वाला था और ये वाक़ आप सुन चुके हैं कई दफ़ा, मैंने भी बयान किया है। आया कहा मौला आप आए, कयाम क्यों नहीं करते, खुरासान में लोग तैयार हैं और ये और वो है, इतने सारे लोग हैं और आपको तो इतने थोड़े से लोग। इमाम ने बोला अच्छा, इमाम ने करीब में तंदूर था, इमाम ने बोला तंदूर में आग लगाओ, तंदूर में आग लगाई गई, आग लग गई, इमाम ने बोला कूद जाओ। मौला हाँ कूद जाओ। मौला वो क्या होगा, मेरा पीछे बच्चे ये वो, ठीक अभी बात कर रहे तो देखा कि इमाम का एक सहाबी आया, लकड़ियां रखा हुआ आया, इमाम ने उसे बोला कि तंदूर में कूद जाओ। उसने ये नहीं पूछा कब क्यों कैसे, लकड़ियां फेंकी चला गया। अब इमाम उससे बातें कर रहे, अच्छा खुरासान के लोग और कैसे हैं और क्या है वहां पे, अब ये टेंट बता रहा है लेकिन इसकी निगाह परेशानी तंदूर की तरफ है, वो तो जल गया होगा, उसका क्या होगा। इमाम वोसे कर रहे, थोड़ी देर में इमाम बोला इसको देखते क्या हो, देखा तो वो फूलों में बैठा हुआ है। मसला क्या है, देखिए यहां पे एक्सट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन ये है कि अतात अम्र इलाही की। इमाम ने कहा कि इस जैसे 40 ले आओ, 40 हम कयाम कर जाएंगे। अब ये कहना बड़ा आसान है कि यार हम भी कर लेते, कहना आसान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, हकीकतन मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं खुद हूं, मैं खुद फंस गया हूं, मैं खुद फंसा हुआ हूं, मैंने अपने आप को दुनिया में धंसा दिया है। जाहिरन मैं भी आपको लगता हूं कि इतना इमाम का जिक्र करता है माशाल्लाह, कि कुछ लोग हमारे बारे में खुशगुमा होते हैं कि भाई आप तो मौला से मिलते रहते होंगे, खुदा करे कि ऐसा हो। अरे जाने मोहतरम, इंसान अपने नफ्स का शिकार हो चुका है। दुनिया का निजाम ऐसा डिजाइन किया गया है कि हर आदमी फंसा रहे और ये जब तक फंसे रहेंगे ये अपनी इसलाह नहीं करेंगे, और जब तक इसलाह नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते। दुश्मन क्या है, दुश्मन का काम क्या है, शैतान का काम क्या है, शैतान ने इजाजत मांगी है कि मुझे दे, मैं इनको वरगलाऊं, मैं इनको अगवा करूं, मैं इनको वसवसे डालूं। अब जो वसवसों में आ गया वो क्या, वहां जो इमाम तक पहुंचता है वो
हालत जिक्र में है, और जो हालत जिक्र में है इसका नहीं हाथ में उसकी तस्बीह है या डिजिटल तस्बीह है ना, अच्छी बात है इंसान तस्बीह पढ़ता रहे, इंसान का जहन उस तरह ना, हालत जिक्र असल में ऐसी हालत है कि इंसान की तवज्जो मुतमरकज है अपने परवरदिगार पर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने अल्लाह अकबर की नमाज में खड़ा हुआ तो नहीं, बाजार में खड़ा है, तवज्जो उसकी है कि खुदा मुझे देख रहा है, हालत जिक्र में है, वो घर के अंदर है, हालत रिश्तों में नफरतें मुश्किलात परेशानियां बातें, तवज्जो खुदा देख रहा है, जो मैं कर रहा हूं खुदा के लिए, किसी ने बुरा किया कोई बात नहीं, क्यों, मैंने तो खुदा के लिए किया था, इसके लिए नहीं किया। जिक्र ये प्रैक्टिस चाहिए। जाने मोहतरम मैं खुलासा कर पाऊंगा, मैं कोई इतना आपकी खिदमत में बहुत बयान नहीं कर पाऊंगा, खुलासा जो है उस वादी में दाखिल होना हालत जिक्र है, जो जिक्र में है वो ही जहां पहुंच सकता है। अब ये बहरहाल हालत जिक्र कैसे इमाम के सामने इंसान को हाजिर करेगी, यानी मैं क्या करूं, मौलाना साहब मैं तो बात भी करता हूं, गुफ्तगू भी करता हूं, मैं तो फलाना भी करता हूं। जो इंसान गुनाह गलती मासियत मकरूहात अंजाम देता है वो हालत हालत गफलत है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे ही इंसान हालत जिक्र से बाहर निकलता है गलती कर बैठता है, गलती कर देता है। आप हालत जिक्र में गए, नमाज पढ़ी, इबादत पढ़ी, मोबाइल आपने जेब से बाहर निकाला, एक दो चीजें देखना शुरू की, अचानक से जवान है माशाल्लाह आप सारे, कोई चीज गलत आ गई, जिक्र में थे तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, जहां पॉज कर लिया रुक गए, देखना शुरू किया, इसका मतलब है हालत गफलत आ गई है। अब कितनी देर में आप रिवर्ट होते हैं ये आपकी हालत जिक्र जो की होगी वो बताएगी। अगर हालत जिक्र का लेवल बढ़ता चला गया है तो हालत गफलत का टाइम कम होता चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर गफलत में रात गुजर गई, सुबह फजर भी गई, फिर कैफियत इस्तराब। आजकल ना लोग कहते हैं वहाँ साहब इस्तराब है बहुत ज़्यादा, बेचैनी है, सकून नहीं है। सकून कहाँ मिलेगा आपको, हालत गफलत में सकून नहीं है, सकून सिर्फ जिक्र में है। अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है। वो अल्लाह का जिक्र क्या करूं मैं, शख्स आया वही, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो मासूमीन का दरवाजा है, शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम की खिदमत में आया, इमाम से पूछा कि मौला ये जो कुरान में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है, ये कौन सा जिक्र है? तो इमाम फरमाते नहनो जिक्रुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र। यानी अब जो इमाम को देख रहा है वो हालत जिक्र है। अब मैं कैसे रहूं हालत जिक्र में, मौला आप तो गैबत में हैं, तो आवाज यही आएगी कि अपने आप को बुलंद करो, उस मकाम पे आओ कि अगर तुम नहीं देख सकते तो ये दर्क इदराक इतना बढ़ा लो कि हम तुम्हें देख रहे हैं। हकीकत है मैं नहीं देख सकता, इमाम तो देख रहे हैं। आलम दीन अभी 15 शाबान की कॉन्फ्रेंस थी, मैं कुंभ में था, अच्छे आलम दीन थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि कुछ दोस्त थे जो हर शबे जुम्मा मस्जिद जमकरान जाते थे, इमाम की मोहब्बत में, इमाम के साथ अपनी बैत को इनहेंस करने के लिए, तजवीज करने के लिए। तो एक उनमें से जो था, एक दिन उसकी कैफियत बहुत बेचैन हुई तो वो वक्त से पहले पहुंच गया जहां वो
सब जमा होते थे, फिर पैदल जाता। जब वहां पहुंचा तो पहले आ गया था, तो कोई था नहीं, तो उसने बोला मुझसे तो सवर नहीं हो रही, चलना शुरू हो गया। चलते 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 रस्ते में अपना दर्द दिल इमाम से बयान करने लगा, मौला ऐसा, मौला वो है, मौला ये, मौला इस तरह है, मौला आप कब आएंगे, मौला कैसे होगा ये सब। ये करते करते पैदल चलते चलते पहुंच गया। जब वहां पहुंचा उसके बाद इबादत कर, उसके दोस्त पहुंचे पीछे, कहा भाई तुम, कहा मैं माजरत चाहता हूँ, आज मेरी कैफियत बहुत बेचैन थी, मुझसे सब्र नहीं हुआ तो मैं पहले आ गया। कहा किसके साथ थे? कहा नहीं अकेला। कहा अकेले? कहते जब कुछ लोग वापस आ रहे थे तो हमने पूछा कि तुमने उनको देखा है? तो कहा हाँ हमने देखा है, वो किसी सैयद के साथ पैदल जा रहा था। हालत जिक्र है, जाने मोहतर आप नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता, लेकिन हमें नहीं पता कि जब हम, बात वही है कि आप अपने वजूद से दर्क करें तो आपके बराबर में इमाम होंगे, आपको इमाम देख रहे हैं। ये तो इमाम खुद फरमाते हैं, हफ्ते में 2 दफा तो तुम्हारे अमाल हमारे पास आते हैं। वैसे भी इमाम, जब आप इमामत को डिफाइन करते हैं और इमामत की खसूसियात और इमामत की हाकमियत को बयान करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इमाम देख रहा है मुझे। और ये मैं कई दफा वाकयात आपकी खिदमत में तारीख से पेश कर चुका हूँ, बहरहाल जवानों के लिए, उसको कैसे इमाम देख रहे हैं। वो छठे इमाम का वाकया मैं आपकी खिदमत में कई दफा पेश, शख्स इमाम का चाहने वाला है, इमाम की खिदमत में आया और इमाम से मौला के ऐसा ऐसा है, इमाम ने पूछा तुम्हारा भाई कैसा है, वो इमाम को फरमाता है कि मौला अच्छा है, आपके मामले में एहतियात करता है। मैंने एहतियात का मतलब, यानी आपके मामले में अभी शक पर है कि आप हक हैं या नहीं है, यानी मैं इसलिए एहतियात करता है कि भाई ये करूं कि नहीं करूं, मैं इस तरह मानूं कि नहीं मानूं, एहतियात करता है। इमाम ने कहा अच्छा। कहा जब इमाम ने कहा वापस जाना तो अपने भाई से पूछना तो फलानी जगह फलाने रस्ते में फलाने दरख्त के नीचे उसने एहतियात क्यों नहीं की। अब इसको तो पता नहीं था, ये गया भाई से बोला कि भी मैं मौला की खिदमत में गया, मौला ने आपका पूछा तो मैंने ये बताया, तो मौला ने कहा कि उससे पूछो कि फलानी जगह फलाने दरख्त के नीचे उसने एहतियात क्यों नहीं की। उसका रंग उड़ गया, जर्द हो गया उसका चेहरा। कहा क्या हुआ? कहा मगर वहां तो कोई मौजूद नहीं था। कहा माजरा क्या है? कहा बहरहाल ऐसे ऐसे था, मैं सफर में जा रहा था, मेरे साथ एक शख्स था, वो अपनी कनीज के साथ था, बस मेरा दिल जो है वो रस्ते में उस पर आया, मैंने किसी बहाने से उसको भेजा और फिर कोई भी नहीं था, खलवत थी, तनहाई थी, और बहरहाल मैंने दरख्त के नीचे, इमाम, मसला हमारा ये है, हमारी इमामत हम पर अभी तक सही तरीके से रिवील नहीं हो पाई। इमाम किसे कहते हैं? को मोस्टली हम लोग पैदा हुए ऐसे घरों में, अल्लाह कितना एक, पंचतन 5, इमाम 12, बचपन से हमारे दोस्त बैठे होंगे, अहले सुन्नत भी होंगे यकीन, और भी दोस्त होंगे, लेकिन अक्सर हम लोग जो है वो, तो हम तो वैसे हम लोग जस्तजू नहीं करते, हम स्ट्रगल नहीं करते कि इमाम कहते किसे हैं। जिससे पता चल जाए इमाम क्या है, वो वैसे ही था कि जा आग में कूद जाओ, कूद गया हो, क्यों? वो जानता था कि ये उसी का नुमाइंदा है जिसने इब्राहिम के लिए आग को, आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया, उसका नुमाइंदा है, इख्तियार है इसके पास भी कर सकता। मसला ये दुनिया थोड़ी है, जो इनको अदराक कर गया, मीसम वक्त आएगा लटकाए जाओगे, जबान काट दी जाएगी। मीसम ने ये नहीं पूछा क्यों, कब, कैसे, एक ही पूछा, मौला हक पे हूंगा, यानी हक, यानी आपको मानता रहूंगा ना, बस मौला मसले उसी दरख्त को पानी देता रहूंगा मैं, क्यों? आप अकली तौर पर, दुनियावी तौर पर देखेंगे तो खुदकुशी, खुदकुशी थोड़ी है,
मसला पहचान है, इदराक है। शमा गुल कर दो, जन्नत भी दे दी, बैद भी डा दी, मैं राजी भी हूं, कोई नाराजगी नहीं है, चले जाओ, जंग सुबह मेरे से तुम्हारे साथ नहीं है। शमा रोशन की, तीन दफा हुआ, क्यों नहीं गए? जानते थे ये जो हस्ती है असल हयात यही है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, इमाम हयात यही है। कहां जाए हयात छोड़कर के मौत के पास जाए? ये कटना मौत थोड़ी थी, ये तो हयात है। और ऐसी हयात है कि आज आप हर नमाज के बाद सलाम करते हैं, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। यानी क्या? यानी जिंदा है, और ऐसे जिंदा है कि हम सबको बचा रहे हैं। खूब, ये जब तक दर्क नहीं होगा, जब तक अपनी जान से रू बाहर नहीं आएगी, जाने मोहतरम आसान नहीं है। मैंने कहा ना आपको, रू हयात में बाहर आए तो कमाल है। इस काबिल अपने आप को करे कि इंसान उस आलम को तर करे, वो जो इमाम की हुकूमत है, वो खसूसियात। आप देखें कि जो साथ है वो कौन है? खुद पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, उलाए का रुफकाई, कौन? वो मेरे दोस्त हैं। कौन? जो आखिरी के साथ होंगे। उलाए का रुफकाई, आसान बात है। खातमुल अंबिया, महबूब किबरिया, उनको इस तरह पुकार रहे हैं। फिर मौलाए कायनात ने जो बलागा में उनकी खसूसियात को बयान कर रहे हैं, ये इन चीजों को अपने अंदर ईजाद करना है। और ये ईजाद जब होगा, देखें, वो दौलत करीमा कि जिसे हर किसी ने अलग अलग तरीके से बयान किया, अरस्तू ने भी बयान किया है, बोली सीना, फराबी, सब ने उस हुकूमत को बयान किया है जो आएगी, अपने अपने तरीके से, अपने फलसफे से उन्होंने बयान किया है। एक ऐसी हुकूमत कि जहां बहुत सारी खसूसियात हों, दुश्मन भी जो जाहिरी इंसानियत का दुश्मन है वो ये समझता है कि बहरहाल एक ऐसी चीज होगी, ऐसी जगह होगी कि बस अब जहां जाहिरी तौर पर अच्छाइयां होंगी, वो खुद एक ऐसे शहरों की तलाश में, वो खुद आप फिल्मों के अंदर बाद में ऐसी जगह दिखाई जाती हैं कि दुनिया तबाह हो गई है, मगर जो है वो एक जगह कोई है जहां पर बड़ी अच्छी जिंदगी है, सरसब्सी जिंदगी है, कुछ जिंदगी है। बहुत सारी तरीके से ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है दुनिया की इंडस्ट्रियां, ये बाकायदा थॉट्स, बाकायदा नजरियों को लोगों के जहनों में आमादा करने के लिए तैयार किया गया। बहुत सारी चीजों को पहले से बयान करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, होता थोड़े दिनों में होना शुरू हो जाता है। वो पहले से जहनों को तैयार करते हैं, वो अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो मसाया भी जो है वो कुछ अरसे पहले बनाई थी, अभी जो है वो हजरत मूसा पे भी आने वाली है नई सीरीज। वो अपने हिसाब से लोगों के जहन तैयार करते हैं, उनके नजदीक भी एक ऐसी जगह हो कि जो बहुत अच्छी होगी, आबो हवा अच्छी होगी, सर सब्जा होगा जिंदगी, लेकिन उनका अपना अलग हदफ है। यहां पर भी जो खसूसियात बयान की गई हैं, मैं बहुत चीदा चीदा आपकी खिदमत में उस मुमलिकत की, वो खसूसियात इलाही खसूसियात है कि उनका होना और उस तक पहुंचना ही हमारे लिए जो है वो कमाल है। सलवात भेजते मोहम्मद वाले में।
लेकिन जाहिर है जिस तरह दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया की किसी कंपनी में एंटर होने की शराइत है, इसी तरह उस मुमलिकत में दाखिल होने की शराइत है। उसको अगर आपने अपने लिए तैयार कर लिया तो फिर आपको खुद बुला लिया जाएगा। जैसे आप अपने आप को इस काबिल करें कि आपका जो भी प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा हो, आप उसमें आपका तजुर्बा हो, डिग्री हो, एजुकेशन हो, और लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो, तो दुनिया की कोई भी कंपनी आपको लिंक्डइन से सर्च करती है, प्रोफेशनल्स को उठा लेती है। तो ये आपको नहीं ढूंढना पड़ता, वो कंपनियां आपको ढूंढती हैं। तो आप और हम अपने आप को इस काबिल करें कि हमारी कीमत लगे किस में, उस दुनिया के बाजार में कि जहां पर जो है वो खरीदा जाता है। और मैं यहां पर हमेशा इस बात पे आता हूं तो शहीद मोहसिन हुज्जाजी का एक जुमला कि जो उसने अपने बेटे को वसीयत में, बेटा उसका 2 साल का था, अभी तो बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह, उसने अपने बेटे को यही कहा था कि बेटा दुनिया बहुत पुराशोभ है, फितना है, मुश्किलात है, लेकिन कोशिश करना कि अपने आप को इस काबिल कर देना कि खुदा तुम्हारा खरीदार बन जाए। तो अपने आप को इस काबिल करें कि इमाम वक्त आपके खरीदार हों, आपको खरीदा जाए। आपको किसी ने हजरत यूसुफ को बाजार मिस्र में खरीदा गया, तो जब खरीदा जाएगा तो हो सकता है गुलाम थे, लेकिन जब पहुंचे तो फिर मिस्र के बादशाह हो गए। तो अपने आप को जाने मोहतरम, लेकिन आप अगर हजरत यूसुफ की फिर जिंदगी को देखें तो किस तरीके से उन्होंने गुजारी है। जिंदान को फौकियत दी दुनिया के फसाद से, कहा परवरदिगार मुझे तू जिंदान भेज दे, ऐसी दुनिया मुझे नहीं चाहिए। अब हम कौन से जिंदान में जाए, तो कम से कम अपनी तन्हाई और खलवत को इजाद करें कि जहां पर आप अपने आप को अपने खुदा के करीब कर सकें। अपने 24 घंटे में कोई टाइम अपना ऐसा रखें। माह मुबारक रमजान आ रहा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। घर वाले भी आपको ज्यादा नहीं बोलेंगे क्यों बेटा इतनी नमाजें पढ़ रहे हो, बोला भाई पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने से भी क्या हो गया कुछ, कोई कुछ नहीं आए। वैसे भी माह मुबारक रमजान में तो जो नहीं भी होता वो भी रोजे रख रहा होता है, सब मुसलमान हो जाते हैं, अच्छी बात है, आप और हम भी हो जाए, इसको फायदा जो है वो उठाएं, ये फिर दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा। पहली जो सिफत है आलम महदवियत की, उस हुकूमत की, वो क्या है, वो अदालत है, जस्टिस है। अदालत के सादे मायने क्या है, अदालत के मायने सादे क्या है कि जो चीज जहां होनी चाहिए वहां रखो। मिसाल के तौर पर ये झंडा यहां पर अगर यहीं पर है, इसी जगह ये है, तो ये अदालत है, यानी ये जस्टिस कर रहा है कि ये यहां रखा हुआ है। फूल यहां होने चाहिए वहीं पर है, पानी यहां होना चाहिए, माइक यहां हो, या जाहिरी तौर पर ये अदालत है। आप जहां बैठे हुए ये अदालत है, अब आप सारे स्टेज पे उड़ के आके बैठ जाए तो ये अदालत नहीं। तो जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां रखना असल में सादी सी बात है, अदालत है। अब ये जो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज की, जस्टिस की तो है, जस्टिस है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है, इंसान घर में भी नहीं कर रहा, इंसान अपने आप से भी नहीं कर रहा जस्टिस, अदालत नहीं कर रहा, इंसान अपने नफ्स पे जुल्म कर रहा है। ला इल्ला इल्ला अन सुभाना का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन, जालिम अदालत के मुकाबले में है, जो जुल्म कर रहा है वो अदालत नहीं कर रहा। सबसे पहला जालिम कौन है, मैं खुद हूं, मैं बाहर जो अदालत ढूंढ रहा हूं, पहले अपनी अदालत तो बेहतर करूं, जो जिस चीज का वक्त है उसको उस पर अंजाम दूं। पहली चीज है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम आखिरी जमाने की अदालत के बारे में जो बयान फरमाते हैं वो क्या है, इमाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम अदालत लोगों के घरों में ऐसे चली जाएगी जैसे सर्दी और गर्मी घरों में दाखिल हो जाती है। सर्दी और गर्मी को आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, वेदर ही चेंजिंग है, कैसे घुस जाती है,
कहा अदालत ऐसे लोगों के घरों में दाखिल हो जाएगी उस हुकूमत के अंदर। तो अब आप बहरहाल स्टार्ट, अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग ले इस हदीस की, क्या मतलब है? मतलब यह कि अपने घर से अदालत शुरू करें, घर में अदालत करें। मैं बाहर इतना अच्छा हूं, सलाम अलैकुम, इल्तमासे दुआ, माशाल्लाह अभी रमजान आएगा, सब जजाकल्ला और इल्तमास, ये सब करेंगे। घर के अंदर इंसान कैसा हो जाता है? माँ बाप के सामने आपको पता नहीं है, आपको ही नहीं पता, जिनकी शादियां हुई हुई है वो अपनी जोजा के सामने कैसे होते हैं, बच्चों के सामने हम कैसे हो जाते हैं। अदालत आसान नहीं है, वहीं से स्टार्ट लेना है। जो घर में अदालत कायम नहीं कर सकता वो इमाम की हुकूमत में क्या काम करेगा, आप सोचें कैसे करेगा, नहीं कर सकता। वो पहली चीज अदालत है जाने मोहतरम। और ये जाहिर है कि इंसान जो है वो उस तक पहुंचने के लिए उसे जो चीज अपने वजूद में लेकर आनी है, माह मुबारक रमजान भी है और बाहर है, कुरान का महीना है, और अदालत तभी मुमकिन है कि जब इंसान कुरान के साथ अपने आप को मुतमस्सिक करे। कुरान, वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं बहरहाल इस मौजू पे आपकी खिदमत में मैं गुफ्तगू कर पाता। माह मुबारक है, रमजान आ रहा है, अजान मोहतरम कुरान को अपने इदराकात तक पहुंचाए, सिर्फ तिलावत तक नहीं रखे, फहम रखे। जहां कुरान पेनिट्रेट कर गया वहां मामला तब्दील हो जाएगा इंसान की जिंदगी का। तो बहरहाल उसकी कोशिश करें। दूसरी चीज जो उस हुकूमत के अंदर होगी वो रुश्द है, यानी इनहेंस होना है। किसका? फिक्री, इखलाकी और ईमानी पैरामीटर्स का, कि इंसान अपनी फिक्रों को रुश्द दे। जो हुकूमत होगी उसमें इंसान की फिक्र छोटी नहीं होगी, इंसान का ईमान कम नहीं होगा, बहुत बुलंद होगा, इखलाकी बुलंदी पे होगा इंसान उस हुकूमत के अंदर। इखलाकियात ऐसे होंगे कि इंसान, मतलब आप सही जो इंसान की डेफिनेशन है वो वहीं पूरी होगी। जैसे हम बाजुर्ग कहते हैं, भाई जो भी हो इंसान तो हो कम अज कम, भाई मुसलमान नहीं है तो क्या हो गया, इंसान तो बनो। तो इसका मतलब क्या है, यानी एक्चुअल जो इंसान की एट्रीब्यूट्स है उसकी जात में वो क्या है, इंसानियत है, और वो मर चुकी है। और वो ऐसी हुकूमत होगी कि उसके अंदर इंसानियत कमाल पे पहुंचाई जाएगी। तो ये इंसान जो है वो बहरहाल, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि जब हमारे आखिरी जहूर फरमाएंगे तो वो लोगों के सरों पे हाथ रखेंगे और लोगों की अकल जो है वो रुष्ट कर जाएगी। आप जानते हैं कि इल्म इस टाइम जितना भी है वो कहते हैं कि सिर्फ दो वर्ड के बराबर है, दो हरूफ है। जब इमाम आएंगे तो इल्म की सतह 25 हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ दो पर हैं, और इंसान जाहिरी कितनी तरक्की कर गया है कि इंसान जो है वो जेम्स हब जो नया जो आप देखें टेलीस्कोप है जिसके जरिए से, तो कितने ट्रिलियन लाइट ईयर्स पर गैलेक्सी को फाउंड कर रहा है, पता नहीं कितने ट्रिलियन लाइट ईयर्स के बाद कोई और भी गैलेक्सी है इंसान की। तो इंसान कितनी तरक पर, कितना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो हैं, और अभी इंसान मजीद तरक्की कर रहा है। एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को जो है वो आगे लेती चली जा रही है। आप यहाँ बोलते हैं चीजें आना शुरू हो जाती हैं, आप सोचते हैं चीजें आना शुरू हो जाती हैं। खूब ये बहरहाल इंसान जाहिरी तौर पे तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है उस दौर के मुकाबले में।
रुतबे थे मोहम्मद वाले वाले। अब बहरहाल अकल कमाल पे पहुंचेगी और ईमान इंसान का, उसकी अफकार खूबसूरत हो जाएंगी और बहुत खूबसूरत फैसले किए जाएंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद करते हैं, इमाम अकल की डेफिनेशन जब करते हैं, अकल की जब तारीफ करते हैं, तो इमाम कहते हैं अकल हकीकी वो है कि जिसकी सबब खुदा की इबादत की जाए। ये नहीं है कि चार किताबें पढ़ गई इंटेलेक्चुअल हो गए, जो दुनिया कहती है बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए, ये क्यों है, नमाजें यूं क्यों है, विरासत यूं क्यों है, फलाना यूं क्यों है। ये जो दुनिया जिसको इंटेलेक्चुअल कहती है, ये दुनिया की तारीफ है। मासूम क्या कह रहे हैं, असल अकल जो बेस्ट अकल है वो ये है कि जिसके जरिए से खुदा की इबादत की जाए। अभी वक्त नहीं है, वरना अकल का चैप्टर जो है वो दोबारा मुझे अलग खोलना पड़ जाएगा। अगली जो उस हुकूमत की क्वालिटी है वो ये है कि उसके अंदर इत्तेहाद होगा, हमदिली होगी, लोग आपस में जुड़े हुए होंगे। इसलिए तो बार बार जो मेंबर से ये पैगाम दिया जाता है कि इत्तेहाद उम्मत, मुत्तहिद रहें, उलमा की तरफ से, मराजे इकराम की तरफ से, आयतुल्ला उज़्मा सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह, आयतुल्ला उज़्मा खामनाई, ये सबसे बड़ा पैगाम क्या देते हैं कि कौम को मुत्तहिद हों, आपस में इत्तेहाद करें, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन करें। हमारे यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं अरे मौलाना साहब पहले इत्तेहादुल बैनुल मोमिनीन तो कर लें, बाद में मुसलमान होगा। तो भाई मोमिन में इफ्तराक कब और कैसे, मोमिन तो है ही नहीं वो कि जो आपस में इख्तलाफ रखता हो, तो मोमिन ही नहीं है वो। आप तो आप ये चीज सोचते क्यों है कि हमारे अंदर फर्क पाया जाता है, फर्क थोड़ी पाया जाता है। वो बच्चा है एक ही घर में, किसी को कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को कम अच्छी लगती है, तो क्या हो गया, है तो एक ही घर के ना, कोई बात नहीं, करने दें आप इसको। तो ये आपकी अपनी अपनी जहन की वसतों को बड़ा करें, अपने आप को अच्छा समझना असल में कम अकली है। आप दूसरे को अच्छा समझे, बोले या वो हमसे अच्छा होगा, तो आप इससे बाहर निकले, कब तक इन्हीं मफाहिम के अंदर फंसे रहेंगे। इत्तेहाद बैनुल मोमिन इत्तेहाद ही है भाई, क्या हो गया, इत्तेहाद कभी टूटा ही नहीं है। विलायत अली जिब्ने अबी तालिब सबसे बड़ा इत्तेहाद है जिंदगी के अंदर, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद बैनुल मजाहिबीन। इस इत्तेहाद की तरफ जाए, शरे सदर की तरफ जाए, आगे की तरफ बढ़े। खूब ये जब आप करेंगे तो क्या होगा, एक हदीस बहरहाल आपसे इसी खिदमत में के इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम फरमाते हैं कि जब हमारे आखिरी जो है वो कयाम करेंगे तो लोगों के दिलों से कीना खत्म हो जाएगा। तो इसको अभी से खत्म करें, अभी से खत्म करें कीना नफरतों, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, आगे की तरफ बढ़े। जाने मोहतरम एक बड़े स्फायर की तरफ जो है वो जाए। चौथी चीज जो है वो है सलामत जिस्मी, जिस्म का और रवानी तौर पर सालिम होना। वो जो हुकूमत आएगी वो डिवाइन हुकूमत होगी, तो वहां पर इंसान की सेहत भी डिवाइन होगी, यानी वहां दुनिया की दवाइयां नहीं चलेंगी, ये जो बड़ा इंसान दुनिया की के, और मेडिसिन अगर होती भी है तो डिवाइन मेडिसिन होगी। देखिए दुनिया में जो दवाई दी जाती है वो क्या दी जाती है, अगर आप बोले सारे डॉक्टर अच्छा कर दें आपको, सारी बीमारियां खत्म हो जाएं, तो ये मेडिकल स्टोर का क्या होगा, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों का क्या होगा, डॉक्टरों का क्या होगा, सवाल तो है। तो इसीलिए सिस्टम ऐसा बनाया गया कि एक बीमारी इसी खत्म हो दूसरी शुरू हो जाए, या इसको प्रोलोंग करो, या इसको बीमारी को दबा दो, खत्म नहीं करो। मोस्टली दवाइयां बीमारियों को क्या करती हैं, दबा देती हैं, खत्म नहीं करती, जड़ से नहीं उखाड़ती। लेकिन असल जो जिंदगी है वो लाइफस्टाइल है। अगर इंसान की जिंदगी का बेहतरीन लाइफस्टाइल हो तो वो अपने आप को बीमारियों से कोप कर सकता है। तो उस हुकूमत के अंदर जिस्म सालिम होंगे और इंसान जहनी तौर पर भी सालिम होगा। और अभी हम दोनों गड़बड़ में, बदन भी गड़बड़ में है क्योंकि लड़के वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, स्पोर्ट्स नहीं करते, हर वक्त मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते हैं,
देखे रहते हैं, घर वाले माँ बाप भी तंग है, हम लोगों को शिकायतें कर करके थक गए, लेकिन हम लोगों को देखते हैं मौलाना के आदमी, फिर मोबाइल, मौलाना क्या करे, मौलाना जवाब ना दे तो मौलाना को बुरा भला लोग बोलते हैं, मौलाना इतने 24 घंटे हो गए आपको मैसेज किया, हम गरीबों का भी सुन लें। अबे भाई हमें मोबाइल में थोड़ी लिखा हुआ है अमीर कौन है गरीब कौन है, सारे एक जैसे आते हैं, देखते हैं जितना हो सकता है जवाब दें। लेकिन जाने मोहतरम वो बाज़त ये इंसान आजकल रवानी तौर पर बीमार हो गया, और ये आपको और हमें खुद प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने स्क्रीन टाइम लिमिटेड करें, स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। अगर आप इसको नहीं करेंगे जहन आपका माउफ हो जाएगा, रेज है, आप गूगल यूट्यूब पे देख लें, रेज घर के अंदर वाईफाई की इतनी ज्यादा है कि आपके आप इसको रात को कोशिश करें कि इसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं। फोन को अपने तकिए के साथ मत रखें, उसकी इमिशन जो निकलती हैं, अभी किसी ने मुझे वायरल भेजी थी, मुझे रिसर्च बहुत नहीं कर पाया लेकिन भेजी कि आईफोन और इस तरह के फोन साथ में पड़े रहते हैं वो जहन के ऊपर असरअंदाज करते हैं, उसके आईक्यू के ऊपर भी उसका असरअंदाज होता है। बच्चे आप देखें आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनसे बात करें बात ही नहीं करते, ये ज़ॉम्बीज बच्चे हो गए। सुन, अस्सलाम वालेकुम जी भाई बेटा जी, क्यों? क्योंकि हर वक्त यूं है, वो घर हो गया, होमवर्क कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, माँ बाप बेचारों को क्या पता वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, बात नहीं करता बच्चा। खूब ये जो नस्ल है ये खतरनाक है, फिजिकल जाए, सलामत रवानी पे जाए, गुफ्तगू करें। और ये बहुत बेचैनी है, मैं मतलब हम खुद भी बैठे होते हैं, आप यकीन करें, अच्छा हमारा तो बहुत कम होता चांस होता है कि हमें मोबाइल छोड़ दे आदमी, भूल जाए आदमी जिंदगी में, हमारे मोबाइल जो है, वैसे मेरा अपना जाती तौर पर है, मेरे जानने वाले भी शिकायत कर कि कॉल कर लेता हूँ लेकिन मेरे मोबाइल कम्प्लीटली साइलेंट है, साइलेंट है बिल्कुल, वरना तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते, आप सो भी नहीं सकते, खाना भी नहीं खा सकते। अच्छा हम लोगों को बेचैनी भी होती है, ओह फोन आया होगा, नमाज में हिल रहा है, पता नहीं किसका फोन होगा, किश्ती डूब गई का कंटेनर दे मेरे भाई, कितना क्या हो गया, वो बचने दो यार, छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए जिंदगी में, नहीं कारोबार तो मैं ही चला रहा हूँ, बिटकॉइन तो मेरे पास है पूरी दुनिया के जो मुझे हिल रहे हैं, ये बेचैनी है, इस तरह है। आप 15 मिनट बैठ जाए मेरे साथ बगैर मोबाइल के, आप बैठे 15 मिनट बगैर मोबाइल के, ये तो आप मौला की खातिर बैठे हुए इस टाइम, उसमें भी कई लोग मोबाइल लेके यूं बैठे हुए हैं, अपने मैसेज भी देख रहे हैं पीछे पीछे, अभी देखो मौलाना साहब सुन रहे हैं, देख रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ जानता हूँ अच्छी तरीके से, जाने होता हूँ, आसान नहीं है, बेचैनी है, सलामत रवानी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, सबसे बड़ा मसला इस टाइम ब्रेन है, ब्रेन, यही ब्रेन है जो कायनात को तस्खीर कर सकता है, यही ब्रेन है, इस ब्रेन को इनहेंस करेंगे तो पूरी गैलेक्सी आपको समझ में आएगी। वैसे भी साइंस भी ये कहती है कि जो अल्फाज जबान से निकले हैं वो इस कायनात के आखिरी कोनों तक टकराते हैं जाके, कितनी बड़ी गैलेक्सी है, और आवाजें जो निकली हैं वो आज तक कायम हैं, हमारे पास डिवाइसेस ढूंढी जा रही हैं कि उन आवाजों को एक्सट्रैक्ट किया जाए। इसीलिए कहा गया कि बोलते वक्त सोच के बोलो, जो बोलोगे वो खत्म नहीं होगा। मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि खामोशी सुकूत हिकमत के दरवाजों को खोलता है, तो ये इंसान साइकोलॉजिकल अपने ऊपर देखे बात कर। खूब बहरहाल पांचवी चीज, और बहरहाल उसके बाद सवालों के जवाब जो बहरहाल आप लिख रहे हैं, उस दौलत में, उस सिस्टम में खैर और बरकत फरावान होगी, खुदा की तरफ से जो लुत्फ और करम होगा वो परावान होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, और यही वजह है। और खुद खुदावंद मुताल कुरान में भी इरशाद फरमाता है कि अगर शहर के लोग ईमान लेकर आए और तकवा इख्तियार करें तो बरकत के दरवाजे जमीन और आसमान में उनके लिए खोल दिए जाते हैं। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो बहरहाल खसूसियतें बहुत सारी हैं। बहरहाल ये तो इतनी छोटी हुकूमत तो है नहीं जो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए आपके इतने घंटे के अंदर। तो मैं भी सारी नहीं बताऊंगा, इस एक दफ़ा थोड़ी, बार बार बुलाएं तो बार बार बुलाऊंगा मैं आपको। तो मसला ये, तो ये कि बहरहाल इन खुलासा ये है कि ये जो 6 फिट है ना, इसके ऊपर हुकूमत को लेकर आए पहले। पहले जहूर यहां करें, फिर जहूर यहां होगा। तो पहले अपने आप को जहूर में दाखिल करें, उसके बाद जहूर हो जाए। जो खुद जहूर में दाखिल हो गया उसके लिए कोई परेशानी नहीं, वो जहूर में है, वो जहूर में जिंदा है, वो जहूर में ही जिंदा रहेगा। तो बहरहाल सवालात जो हैं वो अगर कुछ हैं तो मुझे दे दें, तो मैं जो हूँ वो बहरहाल आता वाता। हदिया सलावत।